नमस्कार, मैं कमल पवार और आप देख रहे हैं तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज चैनल। ब्राह्मण समाज भजनपुरा द्वारा रविवार को होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज भजनपुरा ने सर्वसहमति से देवदत्त शर्मा को अपना नया अध्यक्ष चुना। कार्यक्रम में चंदन का टीका लगाकर एक दूसरे के गले मिलकर शुभकामनाएं भी दी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के द्वारा होली मंगल मिलन कार्यक्रम एवं ब्राह्मण समाज भजनपुरा की आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष के द्वारा पदभार छोड़े जाने के बाद नव नियुक्ति के दौरान देवदत्त शर्मा को इस कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें सभी ने आम सभा के माध्यम से हाथ उठाकर अपनी सहमति जाहिर की और साथ ही साथ होली मंगल मिलन कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाया। इस पर पूर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष एवं गोंडा विधानसभा विधायक श्रीदत्त शर्मा ने बताया कि समय की कमी के चलते वह ब्राह्मण समाज भजनपुरा में अपना समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है और अब सभी की सहमति के बाद ब्राह्मण समाज भजनपुरा का नवनियुक्त पद देवदत्त शर्मा को सौंपा गया है, जिससे समाज के सभी लोग काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर तो ब्राह्मण समाज की सभा चल रही है, यहाँ तो सबके लिए होली की शुभ कामनाएं हैं। आज पूरे विधानसभा को, पूरे दिल्ली को, पूरे देश को हम होली की शुभकामनाएं देते हैं। और मैंने जो आज अपने अध्यक्ष पद से अपना रिजाइन कर रहा हूँ, केवल समय की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि समय नहीं रह पाते हैं, समय हम नहीं दे पा रहे हैं। मैंने ही ये नियम यहाँ पर बनाया था, अभी संस्था में वो लोग आए जो समय दे सके, लेकिन मैं आज राजनीति में आने के कारण समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना रिजाइन दे दिया। तो आपको बता दें, ब्राह्मण समाज भजनपुरा जो अपना रजिस्टर्ड है, इसके हमारे पहले अध्यक्ष श्री देवदत्त शर्मा जी विधायक, उनको राजनीतिक कारणों से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और मोर देन हमारी कार्यकारण समिति में वो लगभग 7 या 8 महीने पहले यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं कि भाई मुझे इस पदभार से मुक्त कर दो। फिर हमने ये अपना रेजोल्यूशन अपनी मैनेजमेंट कमेटी में लाई, जो पिछले 90 दिन से उसमें अंडर प्रोसेस था कि भाई हम ऐसे ऐसे भाई साहब हटना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं। ये जो हमारी ब्राह्मण समाज संस्था है, इसके नीचे 2 कार्यक्रम और भी चल रहे हैं, श्रीमती शकुंता देवी चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब और पंडित चुन्नीलाल चैरिटेबल डिस्पेंसरी, तो उसकी भी देख रेख करनी होती है। उसमें हमने जो हमारे डॉक्टर हमारे साथ बैठते हैं, जो पैथोलॉजी लैब के टेक्नीशियंस हैं, जो वहाँ पे स्टाफ है, तो उसकी देख रेख के लिए हमें कुछ उसकी आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है, किसी की पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसमें भी हमारा बड़े सारा सहयोग उनका होता है। अब भाई साहब जब इस पद से मुक्त होना चाहते हैं, तो कार्यकारिणी समिति ने पीछे सभी के सहयोग से जब उनसे बात करी कि इसके लिए उपयुक्त हुए, हमने बड़े सारे हमारी समिति में नाम सुनाए, उसमें से मेरा नाम उन्होंने चुन लिया, तो मैंने भी अगर सब लोगों की राय थी तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। उसी को हम यहाँ पे अपनी जीबीएम में रेगुलर करने के लिए कि भाई हमारे जो इसमें कोई इलेक्शन नहीं था कि जो अध्यक्ष जी हैं वो अपने पदभार से मुक्त हो रहे हैं, तो हम नए अध्यक्ष को चुन रहे हैं, तो उसी का आज हमारा वो था। अरे होली मंगल मिलन का कार्यक्रम था, तो मुझे अभी सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से और जो हमारे सारे पदाधिकारी हैं उन्होंने मुझे भार दिया। वहीं कार्यक्रम में आए तमाम गणमान्य लोगों ने होली मंगल मिलन कार्यक्रम के दौरान एक दूजे को चंदन का टीका लगा एवं गले मिलकर ढेरों शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भजनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के महासचिव आर के शर्मा, पूर्व सांसद लाल बिहारी तिवारी एवं संस्था के उपाध्यक्ष व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में एक तो होली मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहीं ब्राह्मण समाज को नवनियुक्त अध्यक्ष के तौर पर देवदत्त शर्मा मिले। इस पर आम कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आप स्वयं सुन लीजिए। इस होली के पावन पर्व पे सभी क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये होली का जो पर्व है आपके घर में सुख समृद्धि शांति लेके आए, भगवान का वरदस्त आप पे बना रहे। जिस प्रकार से होलिका में कहा जाता है कि बुराइयों का जो है दहन कर दीजिए और अच्छाइयों को विकसित करिए, सभी को हमें सबक लेना चाहिए। धन्यवाद। आज होली मंगल मिलन का कार्यक्रम किया गया, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी को होली मंगल मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ एक स्पेशल चीज हुई कि हम सभी की सहमति से सभी ने श्री देवदत्त शर्मा जी को हमारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी सहमति जताई और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारे अध्यक्ष जी आगे हमारी रूपरेखा को बना के चलें और सभी के सहयोग से
इस संस्था को आगे बढ़ाएं। ब्राह्मण समाज की ओर से होली मिलन का प्रोग्राम किया जा रहा है जो हर वर्ष कई सालों से हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी इसी प्रकार से होली मिलन ब्राह्मण समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसमें इस बार नए अध्यक्ष का भी निर्वाचित चुनाव होना था, जिसका निर्वाचित चुनाव न होने की वजह से कार्यकारिणी की बैठक में ही श्री देवदत्त शर्मा जी को अध्यक्ष चुन लिया है। लोगों की माने तो इस होली मिलन में दोहरी खुशी का आभास हुआ है। एक तरफ लोगों को गुलाल लगाकर होली की खुशियां मनाई तो दूसरी तरफ नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई देकर उनका उत्साहवर्धन किया है। कमल पवार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। तेज निगाहें के सभी दर्शकों से अपील है कि जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए कमल पवार को इजाजत। नमस्कार।